सो गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन विच आर वेटिंग फॉर द वीडियो वेरी पेशेंटली कि कब हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है और कर कब हम जो बोहर की प्रॉब्लम्स थी या डिफ़िकल्टीज थी उनको हम सॉल्व करके कब हम आगे निकल रहे हैं कब हम लेटेस्ट मॉडल के तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो जो ड्रॉबैक शुरू से अपन पढ़ रहे हैं अब वो लेटेस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग सब ड्रॉबैक मतलब सही हो गए तो ये सब देखने के लिए हम आगे अपनी जर्नी बढ़ा रहे हैं और अपनी जर्नी अभी नया मॉडल नहीं आया है उस जैसे अपन का बोहर से पहले डेवलपमेंट थे आपने देखे थे डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एन एटम ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट हैं या कुछ चीज़ें आई थी जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले आई थी और उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अपना लेटेस्ट मॉडल जो है वो आया था तो अपन सब हेडिंग डालेंगे यहाँ जो दिख रहा है टूअर्ड्स मतलब अपन जा रहे हैं अभी आए नहीं है टूअर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन ऐटम यह आप लिख लें जल्दी से हेडिंग में टूअर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन ऐटम ऐसा लिख लें टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन ऐटम ये मतलब अपन जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर उसके न्यू लाइन से आप लिखेंगे टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स व टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स व क्या दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बता रहे हैं अपन टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स व आज अपन पहला वाला ले लेंगे अपन और फिर दूसरा अपन बाद में लेंगे पहला जो आपने है, one लिखा है वन लिखा है यहाँ वो लिखे आप डोअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या लिखा है आपने वन डोअल बिहेवियर ऑफ मैटर दिस विल बी द फर्स्ट मतलब फर्स्ट कह दो ये वन की लगाओ या नहीं लगाओ चलेगा उससे कोई जरूरत नहीं वन लगाने की भी इतनी मतलब अपन ने वन लगाया है लेकिन कोई जरूरत नहीं होता तो डुबल बिहेवियर वन काट ही दो वरना फिर वो कन में वन में कन्फ्यूज होकर टू बने कब आता है तो अपन काट देते हैं वन अपन खाली लिख देते हैं डोअल बिहेवियर ऑफ़ मैटर सो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर दिस विल बी द डेवलपमेंट बिफोर कौन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अब ये डोबल बिहेवियर ऑफ़ मैटर क्या है मतलब जैसे अपन ने पढ़ा था आपने पढ़ा था कि रेडिएशन के दो नेचर होते हैं एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर ये आप सब ने पढ़ा हुआ है अपन ने फेनमनाज पढ़े थे डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस जो वेव नेचर शो कर रहे थे रेडिएशन के अपन ने फेनमनाज पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटोमिक स्पेक्ट्रा ये सब चीज़ें शो कर रही थी पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन अब जो हम पढ़ रहे हैं डोबल बिहेवियर ऑफ़ मैटर में डोबल बिहेवियर ऑफ मैटर में हम ले रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशन मतलब ये साइंटिस्ट डी ब्रोगली थे उन्होंने ये इक्वेशन दिया है तो अब हम लिखेंगे डोबल बिहेवियर ऑफ मैटर में हम लिखेंगे ब्रैकेट में हम हेडिंग डालेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डी ब्रोगली इक्वेशन विल बी द साइड हेडिंग इन बिलो डोबल बिहेवियर ऑफ मैटर डोबल बिहेवियर ऑफ मैटर से नीचे डी ब्रोगली इक्वेशन अब डी ब्रोगली साइंटिस्ट जो थे तो उन्होंने कहा क्या था ये हमें मालूम करना है कि डी ब्रोगली साहब ने यस yes, मिस्टर रि ब्रॉली ने क्या कहा था उन्होंने बिल्कुल वही कहा था जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि रेडिएशन पॉजिज़ डुबल कैरेक्टर पार्टिकल एज वेल एज़ वेव नेचर बिल्कुल सेम उन्होंने मैटर के लिए कहा है मैटर यानी आप भी हो सकते हो चेयर हो सकती है मैं हो सकती हूँ कोई भी हो सकता है मैटर इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि मैटर का रेडिएशन की तरह दो नेचर हैं या कैरेक्टर हैं एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर तो इस तरह से आप लिखेंगे न्यू लाइन से पहले सुन लो मैं क्या लिखेंगे क्या पहले वो देख लो डी ब्रोगली प्रोपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन पॉज इज कैरेक्टर दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर मैटर जो है रेडिएशन की तरह उसका डोबल कैरेक्टर होता है एक पार्टिकल और एक वेव नेचर मीन्स एज द फोटोन हैज वेव लेंथ एंड मोमेंटम इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव वेव लेंथ एंड मोमेंटम मोमेंटम से अपन वेलोसिटी भी डिनोट कर सकते हैं तो जैसे फोटोन का वेव लेंथ और मोमेंटम है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, मोमेंटम है तो ये उसकी डेफिनेशन है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन डी ब्रोगली इक्वेशन तो ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग डी ब्रोगली प्रोपोज दैट और ऑफ यू राइट द डेफिनेशन टूगेदर डी ब्रोगली प्रोपोज दैट मैटर मैटर लाइक रेडिएशन यू कैन अंडरलाइन मैटर यू कैन लाइक अंडरलाइन रेडिएशन तो डी ब्रोगली प्रोपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशंस पॉज डोवल कैरेक्टर मैटर रेडिएशन जैसा है उसका डोवल कैरेक्टर होता है मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर तो मतलब रेडिएशन का या मैटर का रेडिएशन जैसा टू कैरेक्टर है वन पार्टिकल एंड द अदर वन इज वेव नेचर तो डी ब्रोबली प्रोपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशंस पॉज इज कैरेक्टर पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर यानी इसका ये डेफिनेशन यहां तक खत्म हो गई जैसे अगर आप इतना भी लिखोगे डेफिनेशन में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस द डेफिनेशन ऑफ और द स्टेटमेंट ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन इज द स्टेटमेंट कि मैटर का दो रेडिएशन की तरह दो कैरेक्टर होते हैं अब जैसे इसके एक एग्जाम्पल दे मतलब तो इसके बाद एक लाइन लिख दी मीनस एज द फोटोन जैसे फोटोन का हैज वेव लेंथ एंड मोमेंटम मोमेंटम से मैंने क्या डिनोट करा मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी भी हो सकता है मोमेंटम मीन वेलोसिटी मोमेंटम बिकॉज इज वॉट मास इन टू वेलऑस्टी तो एज फोटोन हैज वेवलेंथ एंड मोमेंटम इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज वेवलेंथ दैट इज लेमडा एंड मोमेंटम इसका सिंबल अपन पी भी देंगे अभी आगे जाके मोमेंटम का सिंगल सिंबल पी तो इन द सेम वे फोटोन रेडिएशन से आ रहा है और इलेक्ट्रॉन मैटर से आ रहा है तो ये आपका डी ब्रोगली का प्रो प्रोपोज करा था और इस सबसे बहुत फ़ायदा हुआ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में और ड्रॉबैक बोहर और अदरफोर सारों के ड्रॉबैक को सॉल्व करने में तो आई होप के टिल दिस मच इज़ वेरी मच क्लियर एंड इट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल कि हमें समझ नहीं आ रहा है, है ना अब जैसे एन सी आर टी में से डेरीवेशन नहीं दिया है मैं एक बात और क्लियर करूंगी कुछ बच्चे ज़रा परेशान थोड़ा हो रहे थे तो प्लीज़ बेटा कोई परेशान नहीं हो कि मैडम अपन सी बी एस ई के, के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें कोर्स कट गया है अपन नीट और आई आई टी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो कोर्स नहीं कटा है बेटा हम लोग को सब पता है हम लोग बिल्कुल अपडेट टीम है आप लोग बिल्कुल घबराओ नहीं बेटा आप लोग यकीन घबरा सकते हो क्योंकि आप लोग नए बच्चे हो टेंथ के बाद आप हमें जानते भी नहीं हों अच्छी तरह हम लोग बहुत अपडेट टीम हैं हम लोग का आज अगर कुछ नया होता है इंडिया में एजुकेशन में तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं दूसरे दिन से वी आर लाइक दिस टाइप ऑफ टीम एंड हम लोग इसी से पहचाने जाते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो हमें सब पता है एन ने क्या करा है सी का क्या चेंज हुआ है आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पढ़ाई नहीं जाए अगर वो नीट में आ रही है तो नीट के अलग क्लासेस लेके पढ़ाई जाएगी ठीक है हर सब्जेक्ट का बोल रही हूँ मतलब नॉट ओनली केमिस्ट्री केमिस्ट्री में तो खैर पूरा ही पढ़ाया जा रहा है लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये बताया जाएगा लेकिन ये स्पेशली अगर कर भी रहे तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ट्वेल्थ बोर्ड बच्चा देने जा रहा है और वो बच्चा वो पोर्शन पढ़ के जा रहा है जो कैंसिल हो चुका है तो वो बेवकूफ़ बच्चा हुआ क्यों हुआ बेवकूफ़ बच्चा क्योंकि उसके नंबर कट कम आ जाएंगे क्योंकि वो ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट अगर काटा है वो पढ़ के जा रहा है तो अपन पढ़ा रहे हैं उसको और बताते जा रहे हैं कि ये यहाँ नहीं पढ़ना ये चीज़ अभी जैसे मैंने अभी बताया ये बात इसकी एक्सिपरिंग डेरीवेशन ये एन सी आर टी किताब मेरे सामने में रख के रखती हूँ ताकि कहीं ये नहीं हो जाए कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा या कम पढ़ा दी जाए तो डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरीवेशन नहीं है लेकिन मैंने डेरिवेशन करवा रही हूँ उसका रीजन है क्योंकि डेरिवेशन करके जब फॉमूला याद करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हें लगेगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे वरना उठाया और अपने रट लिए है ना तो छोटा सा दो स्टेप का डेरिवेशन है वो तब आप साइड हेडिंग डालेंगे डेरिवेशन मतलब डी ब्रोगली ने जो कहा है उसका जो इक्वेशन आ रहा है उसका अपन डेरीवेशन करेंगे अब तो प्लीज ऑल ऑफ यू राइट डाउन द डेरीवेशन अब डेरीवेशन में हम पहले समझ लो फिर अब तुम्हें टाइम दे दूंगी मैं लिखने का दो मिनट समझ लो मेरी बात उसके बाद मैं टाइम दूंगी सबको लिखने का ठीक है देखो अपन सब जानते हैं कि आइंस्टीन इक्वेशन होता है जो कि कहता है ई इक्वल टू एम इन टू सी स्क्वायर ठीक है ये आइंस्टीन इक्वेशन है वेर ई इज़ द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एम इज द मास एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट ठीक है एक और साइंटिस्ट uh, थे जिनका नाम था आप जानते हो ये आइंस्टीन है और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स ब्लैंक है ना ये सब जानते हैं मैक्स ब्लैंक को भी और ये पूरा पढ़ चुके हैं अपन तो मैक्स ब्लैंक का जो अकॉर्डिंग टू मैक्स ब्लैंक इक्वेशन ये था कि e जो है वो इक्वल टू h म्यू है यानी एच इज ब्लैंक कॉन्स्टेंट था और म्यू फ्रीक्वेंसी था फिर फ्रीक्वेंसी के बदले अपन सी बाई लेमडा लगा सकते हैं क्योंकि सी इक्वल टू लेमडा एंड टू म्यू तो म्यू के बदले अपन सी बाई लेमडा लगा सकते हैं तो ये इक्वेशन नंबर टू था ये दिया था साइंटिस्ट मैक्स ब्लैंक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल अप्रोच अपन जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का बराबर है तो राइट हैंड साइड का भी बराबर हो जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड का बराबर था तो राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं तो ये लिखा मैंने एल एच एस सेम है तो आर एच एस को भी सेम कर दो तो फिर ये दोनों को इक्वेट कर दिया एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू एम सी स्क्वायर इक्वल टू म्यू के बदले सी बाई लेमडा लगा दिया फिर ये वाला सी और ये स्क्वायर कटा तो यहाँ बचा है एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा तो इस हिसाब से लेमडा हो गया इक्वल टू एच अपॉन एम सी वट इज एम सी मास इन वेलोसिटी एम स्टैंड फॉर मास एंड सी स्टैंड फॉर वेलोसिटी तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी मतलब मोमेंटम है इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है तो एम सी को सिंबल <coughs> एक पी भी दिया जाता है वेल पी इक्वल टू एम वी और एम सी अब ये सी क्या है कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट तो नॉर्मली सी से डिनोट कर रहे हैं और वी यानी किसी भी मैटर का वेलोसिटी ऑफ अ बॉल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग तो ये हो गया और ये मास ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड वेबले पार्टिकल तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यानी ये वाला लेमडा इक्वल टू मैक्स ब्लैंक कॉन्सेंट अपॉन मास इन टू वेलोसिटी यानी मास एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलैथ सो दिस इज अ सिंपल डेरिवेशन डेलीवेशन जैसे बुक में अपना ये दिया हुआ है बस ये तो अपन को कम, दो स्टेप करके अपन को मज़ा आ रहा है अपन को समझ में आ रहा है कि कहाँ से आया ठीक है बेटा तो आई होप के सबको समझ में आ गया अब आप लिख लें आराम से ये यहाँ से लिखेंगे पूरा पूरे यहाँ तक जाए और फिर यहाँ पर आ जाए ठीक है तो आई एम गिविंग यू वन मिनट यू हैव टू फिनिश राइटिंग एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट इसी के ऊपर फिर अपन बताते जाएंगे तो जो आप लिख रहे हैं मैं एक दफा पढ़ भी देती हूँ ई इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वेयर इक्वेशन नंबर वन गिवन बाई आइंस्टन ई इक्वल टू एच इंटू म्यू यानी ई इक्वल टू एच इंटू सी बाई लेमडा गिवन बाई मैक्स ब्लैंक इक्वेटिंग बोथ द साइड्स सो वी कैन से एम इंटू सी स्क्वेयर इक्वल टू एच इंटू सी बाई लेमडा और एच म्यू सी से सी कटा तो एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा

अब इसके आगे हम जब जाएंगे तो हम देखते हैं कि इसके आगे हम क्या अपन पढ़ने वाले हैं ये देखो ये क्वेश्चन डालोगे अपन सब फिर अब मैं इसका आंसर समझाऊंगी आपको हाउ डी ब्रोगली प्रोडिक्शन ये प्रोडिक्शन था भाई जब तक कि उसको प्रूव एक्सपेरिमेंटली नहीं कहोगे आप कैसे कह सकते हो नहीं ये बिल्कुल सही है तो कह रहा है हाउ डी ब्रोगली प्रोडिक्शन कन्फर्म एक्सपेरिमेंटली हाउ डी ब्रोगली इक्वेशन हाउ डी ब्रोगली प्रोडक्शन कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली कैसे आपने इसको एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म करा है कि जो डी ब्रोगली ने कहा है वो सही है तो एक मिनट समझ जाता हूँ मैं पहले उसके बाद अपन लिखेंगे इट इज कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली वेन इट वॉज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडर गो डिफ्रेक्शन देखा गया कि इलेक्ट्रॉन बीम कहीं पर अभी कि कैसे आई इलेक्ट्रॉन की जो बीम आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन था इसकी जो बीम आई ये इस बीम ने क्या करा डिफ्रेक्शन करा और डिफ्रेक्शन हम जानते हैं कि वेव नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज द फेनोमेनो ऑफ वेव्स दिस फैक्ट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इट इज कन्फर्म एक्सपेरिमेंटली कैसे कन्फर्म हुई जब ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्रिक्शन कर रही है और ये फेनोमेना किसका है वेव्स का है तो इस ये जो फेनोमेना आया इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रिक्शन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनाने में यही चीज़ इसी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब बना था जो कि वेव नेचर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है और उसका मतलब बहुत ही uh, अच्छा वो है कि बहुत ही बारीक चीज़ भी उससे हमें पता चल जाती है और सेकेंडली जैसे जब अपन नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप अपन यूज़ करते हैं उसमें वेव नेचर ऑफ डिफ्रेक्शन ही होता है उसमें फोटोन्स का तो वहाँ पर जो फेनोमेना था वो यहाँ है जैसे इसके अंदर अपन ने बता बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो अचीव करता है ना मैग्नीफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम्स 15 मिलियन टाइम्स का मैग्नीफिकेशन वो रिसीव करता है तो ये जब प्रोडिक्शन हो गया तो कंफर्म भी हो गया जब एक्सपेरिमेंटली से तो फिर हंड्रेड पता चला यहाँ जाके अपन को पता चला जैसे बोहर के टाइम मैंने कहा था कि जो सेकेंड पॉजिटिव था याद होगा आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू फाइव रिमेबर दिस इंटीगरल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू फाइव में मैं मैंने बताया था कि इंटीग्र मतलब वेव जो है कट नहीं सकती हाफ नहीं हो सकती वन बाई फोर्थ नहीं हो सकती थ्री बाई फोर्थ नहीं हो सकती ये जो बातें थी ये अब यहाँ कन्फर्म हो गई कैसे कन्फर्म हो गई क्योंकि देखा गया कि इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रेक्शन शो कर रही है जो कि बिल्कुल परफेक्ट फिनामोना किसका है वेव्स का तो अभी आप लिख लें आंसर में साथ साथ बोलती जाती हूँ इट इज कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली इट इज confirmed experimentally when it was found it is confirmed experimentally when it was found that an electron beam it is confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergo diffraction undergo diffraction which is the phenomena of waves an electron beam undergo diffraction which is the phenomena of waves this fact is used this fact is used in making electron microscope this fact is used in making इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इट क्लियर तो क्या कंफर्म एक्सपेरिमेंटली हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अंडर गो डिफ्रेक्शन कर रही है जो कि स्पेशल फेनोमेना वेव्स का है और ये चीज जो अपन ने देखा यह फेनोमोना ये, ये किसपे काम आया इन मेकिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि वेव नेचर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू समझ गए अब इसके बाद आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज दिखेगी यहां। देखो ये कितना स्टार समझो पहले अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव कैरेक्टर कोई भी जो मोशन में है ना वो वेव कैरेक्टर है जैसे आप मैं भी मोशन में अगर चल रही हूँ तो मेरा वेव कैरेक्टर डेवलप होएगा आप चलोगे तो आपका वेव कैरेक्टर डेवलप होएगा कार चलेगी तो कार का वेव कैरेक्टर डेवलप होगा बट द वेव लेंथ एसोसिएटेड लेकिन जो वेव लेंथ एसोसिएट होती है बट द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट बहुत शॉर्ट होती है दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड अपने आप डिटेक्ट नहीं होती ड्यू टू देयर लार्ज मास उनका मास इतना ज्यादा होता है कि जो वेवलेंथ होती है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती बट एज द सब एटोमिक पार्टिकल जो सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं बट एज द सब एटोमिक पार्टिकल है वेरी माइन्यूट मास सब एटोमिक पार्टिकल का मास बहुत कम होता है सो देयर वेव लेंथ कैन बी डिटेक्टेड इसलिए उनकी वेव लेंथ डिटेक्ट अपन कर सकते हैं समझ आई तो मतलब आपके अंदर भी वेव है मेरे अंदर भी वेव है लेकिन यह आप रिलेशन देखिए अपना मास इतना ज्यादा है कि ये वेवलेंथ बहुत नेग्लेजेबल आ रही है तो उसको अपन मतलब क्या कर रहे हैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दिस इज द थिंग So please write down the like line. According to de Broglie, every object. Linko, According to de Broglie. According to de Broglie, every object in motion. Every object in motion has a wave character. Every object in motion has a wave character. Underline wave character has. अ वेव कैरेक्टर तो एवरी एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर बट द वेव लेंथ एसोसिएटेड बट द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स बट द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट वेव लेंथ एसोसिएटेड विद नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट डिटेक्टेड दॉट बी डिटेक्टेड इतनी शॉर्ट है अपन ने डू टू देर लार्ज मास उनका बड़ा मास की वजह से ड्यू टू देयर लार्ज मास मतलब क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकते ड्यू टू देर लार्ज मास यहाँ के खत्म हो गया यहाँ हटा दो डॉट लाइन डॉट लाइन तो

ज्यादा हो जाएगी बट एज द सब एटोमिक पार्टिकल है वेरी माइन्यूट मास सो देयर वेवलेंथ कैन बी डिटेक्टेड इसलिए उनकी वेवलेंथ को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं इज इट क्लियर टू सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन ये पूरा डी ब्रोगली इक्वेशन था पूरा कंक्लूजन इतना शॉर्ट कंक्लूजन है कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट आ रही थी ये बिफोर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल उसमें डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने ये प्रूव करके बता दिया इलेक्ट्रॉन का और सब एटॉमिक पार्टिकल का जैसे रेडिएशन के डोबल कैरेक्टर है पार्टिकल और वेव ऐसी इनका भी डोबल कैरेक्टर है पार्टिकल और वेव और उसके बाद फिर ये डेरिवेशन करके उन्होंने फार्मूला निकाला लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी और ये फॉर्मूला प्रूव हो गया एक, मतलब एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म भी हो गई ये प्रोडक्शन बस उसके बाद फिर ये अपना ये आ गया कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी का आ गया बस अब अपन ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं देखो पहला क्वेश्चन एक दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आया था पहले ये चैप्टर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ए क्लास ट्वेल्व में था बहुत पहले मतलब दस साल पहले मान के चलो अब तो ये इलेवन में है तो जब ये क्वेश्चन आया था इज लिखो मेरे साथ क्वेश्चन इज एन एलिफेंट पॉज वेव नेचर बहुत बढ़िया क्वेश्चन थी इज एन एलिफेंट पॉज वेव नेचर क्या एलिफेंट का वेव नेचर होता है ये क्वेश्चन था इज एन एलिफेंट पॉज वेव नेचर तो अपन क्या कहेंगे आंसर में हाँ है तो लेकिन अपन जस्टिफिकेशन देंगे क्योंकि एलिफेंट का मास कितना बड़ा है तो उसका ड्यू टू उसका लार्ज मास उसका वेवलेंथ कैन नॉट बी डिटरमिन जैसे यहाँ लिखे ना वेवलेंथ कैन नॉट बी डिटेक्टेड ये लिखेंगे अपन तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये तो अपन इसका आंसर लिखेंगे सब लोग यस yes, सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन डाल दिए इज एन एलिफेंट पॉजिटिव वेव नेचर सबने क्वेश्चन डाल दिए बेटा अब आंसर लिखोगे यस इट हैज इट हैज वेव नेचर येस इट हैज वेव नेचर बट बट ड्यू टू इट्स ड्यू टू इट्स लार्ज मास ड्यू टू इट्स लार्ज मास पे अंडरलाइन कर लो इट्स वेव लेंथ इट्स वेव लेंथ शॉर्ट वेरी शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मास है ना उसका ये इट हैजेव नेचर बट ड्यू टू इट्स लार्ज मास वेरी शॉर्ट एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड इट अ वेरी स्वीट एंड गुड आंसर यू विल बी गेटिंग वन मार्क इन इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड सो इज एन एलिफेंट पॉज इज वेव नेचर येस आप कहे को न्यूर कहां उड़ ला हमने तो नहीं देखा हमारा तो हमें उड़ाता हुआ नहीं दिख रहा एलिफेंट तो नहीं हमारा फ्लाई कर रहा उड़ नहीं रहा नहीं कर रहा है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसकी वेव जो है वो डिटेक्ट ही आप नहीं कर पा रहे तो ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन था वन मार्क का अब अपने नुमरिक हो रहे हैं बहुत आसान है डी डीप्रोकली इक्वेशन के नुमरकत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा पहला क्वेश्चन एनसीआरटी का ही है लिख लें आप सब लोग मेरे साथ साथ आई विल रीड वट विल बी द वेव लेंथ ऑफ अ बॉल वट विल बी द वेव लेंथ ऑफ अ बॉल of mass 0.1 kg okay what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second so again i'll repeat what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second क्या वेवलेंथ होगी उस बॉल की जिसका मास 0.1 पॉइंट है और वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से 10 मीटर पर परसेंट अपन ने फौरन देखा मास है अपन ने फौरन देखा वेलोसिटी है और वेवलेंथ मांगा अपन का दिमाग फौरन गया कि डी ब्रोगली इक्वेशन डरेगा सबसे पहला स्टेप में आप फॉर्मूला डालेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं कि फॉर्मूला कैरी मार्क्स एच अपॉन एम वी कर सकते हैं क्योंकि बॉल है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो है नहीं सी करें वी कर दिया अब हमने देखा कि लेमडा इक्वल टू हम सबको रटा हुआ है एच का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं याद है भूल गया है तो वो याद कर लो जल्दी से बेटा कि सिक्स इंटू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर झूल इंटू सेकेंड ठीक है बेटा ये आपका एच की वैल्यू है अब मास ऑफ अ बॉल अब ध्यान रखेंगे आप एक अच्छी तरह बात मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई थी तुम्हें पहले भी कि जूल जब खुलता है तो उसके डायमेंशन में के आता है तो कुछ बच्चे यहाँ पर केजी से ग्राम में करेंगे जबकि नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि जूल केजी खुलता है ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना ये अमीना मैडम आपको जो बताती हैं ये हीरा और जेम्स की तरह है क्योंकि यहीं पर बच्चा गलती करता है और यहीं उसके नंबर कट जाते हैं लेकिन अपने डी एस सी क्लासे से नंबर जो नहीं करते हैं और जो बच्चा नाइन्टी फाइव अबाब ला रहा है वो ये रीजन है उसके वो पक्का बता रही हैं तुम्हें तुम इलेवेंथ क्लास से सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे हंड्रेड परसेंट तुम्हारे तुम्हें न्यूमेरिकल में गलती खत्म हो जाएगी गलती होएगी नहीं तुमसे तो अभी आप बताओ कि ये जूल है तो अब तो तो बच्चा हंड्रेड परसेंट के को ग्राम में करने लगेगा लेकिन अपन को पता है कि अपन को के को ग्राम में नहीं करना है इसलिए अपन को एच डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है और एच लिखने के बाद फिर अपन मास लिखेंगे तो मास अपना कितना आ रहा है बॉल का वैसे के वैसे हम जीरो पॉइंट लिख देंगे मास को ये जीरो हो गया इन वेलोसिटी आप मीटर में लेंगे क्योंकि मीटर में कोई टेंशन है ही नहीं ये टेन तब आप बताओ टेन और जीरो तो कैंसिल ही हो गया है ना वन बाई टेन और टेन कैंसिल हो गया तो आपका जो लेमडा का आंसर बेटा आ रहा है आपका लेमडा का आंसर आ रहा है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर मीटर बाकी सब कट जाएगा जब ये खुलेगा तो केजी से केजी कट जाएगा है ना एस यहाँ है और यहाँ पर आपका मीटर पर सेकेंड है वो भी कट जाएगा और फिर अपन का खाली आंसर में आ जाएगा मीटर सो आई होप इट इज क्लियर अब इस क्वेश्चन का जैसे अगर ये दो नंबर का है तो आधा नंबर आपको यहाँ फॉर्मूले में मिलेगा ये आपको आधा नंबर ये सब्सिशन में मिल गया आधा नंबर आपको फाइनल आंसर में मिल गया और आधा नंबर आपको जो आपने यूनिट लिखी है उसके अंदर आपको मिल गया सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर वन विच इज़ वेरी ईजी बट कोई भी ईजी चीज़ और डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती अगर हमें आती है चीज़ तो हमारे लिए ईजी है और हमें नहीं आती तो हमारे लिए वो चीज़ हंड्रेड परसेंट डिफिकल्ट बन जाती है सो क्वेश्चन नंबर वन इज़ क्लियर और नॉट आई होप इट इज क्लियर वेरी गुड लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर टू फिनिश क्वेश्चन नंबर वन

काइनेटिक एनर्जी इज थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव जूल अब जैसे दिमाग चला कि यार ये काइनेटिक एनर्जी का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं लेकिन हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि हम ये जानते हैं वेवलन निकालना तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी लगाएंगे बट उसके अंदर वी हमारे पास नहीं है तो हम ये जरूर जानते हैं हर बच्चा जो यहाँ बैठा है उसे ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वेयर यह हर बच्चा जानता है जो यहाँ बैठा है तो अगर अपन वी स्क्वेयर अलग करेंगे तो वो हो जाएगा टू इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई एम है ना बेटा तो इस तरह से जब आप वी अकेला निकालोगे तो वी हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ टू इंटू कारनेटिक एनर्जी बाई एम यहां तक इतना शॉर्ट कर लो क्योंकि ये वेलोसिटी अगर निकाल ली तो फिर डी ब्रोगली इक्वेशन में अपन लगाएंगे तो अपने पास वेवलेंथ आ जाएगी लेकिन पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें निकालना है वेलोसिटी तो वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू तो अस एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि नाइन पॉइंट वन थर्टी वन के जी क्यों लोगे क्योंकि जूल जी में खुलता है तो अब मैंने वी का करा तो v के जब मैं सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ कितनी एनर्जी है इस वक्त अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतना सारा अपन अगर अभी करेंगे तो अपना बहुत टाइम चला जाएगा तो अपन इसका आंसर लिखेंगे लेकिन घर में जरूर करेंगे क्योंकि तो एग्जाम में कोई टीचर आपका आंसर लिख के नहीं दे रही है आपको एग्जाम में आपको आंसर को खुद ही फाइंड आउट करना है इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि आंसर आपको निकालना आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस घर में जब करोगे तो आपके आंसर फटाफट निकलना शुरू हो जाएंगे सिंपल है कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे अपन कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं अपन जो अपन नहीं कर सकते बट वी वी शुड हैव टाइम अब इसके बाद मुझे ये पार्ट हो गया अब इसके बाद मुझे लगाना है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी अब मैं कोई टेंशन नहीं ले रही क्योंकि मेरे पास सारी डाटा है एच आई नो सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई नो नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी वन वेलोसिटी आपने अभी निकाल ली है आठ सौ बारह जब ये सब आप करेंगे तो आपका आ, क्या आ जाएगा आंसर वेवलेंथ का आपका वेवलेंथ का आंसर आ रहा है एट नाइन सिक्स सेवन आंसर है एट नाइन सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस टेन ऑफ मीटर एट नाइन सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस टेन मीटर ये आपका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू का तो आप इसके अंदर एक फार्मूला अपने आप बना लें अकलमंदी होती है कभी कभी बच्चे अपने आप फॉर्मूलाज बना लेते हैं तो मैं बताओ कौन सा फॉर्मूला बना लो अपने आप आप ये एक फार्मूला अपने आप अपनी कॉपी में जहाँ फॉर्मूलाज लिखते हो ना अलग से वहां पर आप एक फार्मूला वहाँ पर आप एक फॉर्मूला वहाँ पर आप एक फार्मूला जो है उसमें डाल दो तो वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू काटिक एनर्जी बाई एम ये एक बढ़िया फार्मूला आपका Uh, मतलब बन गया जिसके अंदर आपने देखा कि आपका वेलोसिटी uh, और कार्टिक एनर्जी का आपस में रिलेशन कितना बढ़िया चल रहा है तो वेलोसिटी और कार्टिक एनर्जी का अगर रिलेशन है तो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ यू वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इन टू कार्टिक एनर्जी बाई एम सो आई होप दैट माई डियर चिल्ड्रेन अंडरस्टूड द न्यू फॉर्मूला ओनली डी ब्रोगली इक्वेशन के मैंने देखे कि न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड में जरा सा टाइम लगेगा उसके अलावा कोई भी टेंशन नहीं आएगा सो प्लीज फिनिश द क्वेश्चन वेरी फास्ट ताकि अपन अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहें हैव यू डन सो आई होप दैट यू हैव डन वेरी गुड नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री अब अपन क्वेश्चन नंबर थ्री पे आएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन कैलकुलेट मास ऑफ अ फोटोन विद वेव लेंथ थ्री पॉइंट सिक्स ए डॉट आई थिंक आप सबको याद है और रटा हुआ है कि ए डॉट क्या होता है बेटा ए डॉट होता है एंगेस्ट्रॉन एंगेस्ट्रॉन विच इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंगेस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ लेंथ तो अगेन आई रिपीट कैलक्यूलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेव लेंथ थ्री पॉइंट सिक्स ए डॉट यानी एंगेस्ट्रॉन चलिए अपन आप सोचते हैं हमें यहाँ वेवलेंथ दी हुई है है ना और फोटोन यानी लाइट तो लाइट की वेलोसिटी हम जानते हैं थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड है हमें सिर्फ मास मांगा है तो यही फॉर्मूला डी बोली का हम फोटोन पे अप्लाई कर सकते हैं अब अब हम यही फार्मूला फोटोन पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी आपको क्या चाहिए मास चाहिए तो मास को अलग करिए ये सीखिए ज़रूर एक दफ़ा सी में नंबर कट गए थे बच्चे ने यहाँ पर वेवलिन लिखा यहाँ एच लिखा यहाँ सी यहाँ एम लगा दिया नंबर कट गए तो अपन को ये बात ध्यान रखना है कि जब भी अपन को जो चीज़ चाहिए उसको अलग कर लिया करो मास इक्वल टू एच अपॉन लेमडा इंटू सी समझ गए बेटा दिस मीन्स दैट मास इक्वल टू एच के बदले सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड by wavelength लेंथ थ्री पॉइंट इज बट नाव बी वेरी केयरफुल जब झूल खुलता है तो के जी होता है और मीटर भी होता है उसमें और यहाँ पर उसने एंगेस्ट्रॉम में दिया है तो हमारा हर बच्चा जानता है क्लास का बहुत पहले से पढ़ा हुआ है उसने कि एक एंगेस्ट्रॉम में टेन टू पावर माइनस टेन मीटर होते हैं और जो बच्चे नए नए ज्वाइन करते हैं वह अभी याद कर ले वैसे भी वो पुरानी वीडियो सब बच्चे देखते ही हैं, जो भी बच्चा नया ज्वाइन करते हैं ऐसा तो होता नहीं है कि उसको पुराना नहीं मिल रहा सब कुछ आपके लिए है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस टेन इंटू वेलोस्टी ऑफ लाइट जो है वो है थ्री इंटू टेन टू पावर एट ठीक है बेटा तो ये आपका आ गया बस अब आपने देखा यूनिट सब सेम है सब मीटर है ये मीटर है ऊपर भी सब बढ़िया सेम है अब आप जब इसको शॉर्ट में करोगे तो ये ईजी भी आ जाएगा जैसे ये थ्री वन टू हो जाएगा फिर टू बाई थ्री को अपन शॉर्ट करके ये ये सब तो अपन ले ही जाते हैं ना ये माइनस टू हो गया ऊपर गया तो प्लस टू हो गया प्लस टू गया तो ये थर्टी टू हो गया माइनस थर्टी टू हो गया फिर अपन लोग कर सकते हैं उसको आसानी से तो मास जो आ रहा है वो दिया है इन लोगों ने सिक्स पॉइंट इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी नाइन का के जी ठीक है सिक्स पॉइंट वन थ्री फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी नाइन के जी आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर थ्री का सो आई होप दैट माई डियर चिल्ड्रन अंडरस्टूड सो कितने अच्छी सब सॉल्व एग्जाम्पल्स थी एनसीईआरटी के अब अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं पीछे वाले जो एक्सरसाइजेस हैं उनको अपन लेके जा रहे हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व एग्जाम्पल अब अपन आगे बढ़ेंगे तो अभी अपन देख लेंगे कोई से क्वेश्चन में अपन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सब में अपन ने देखा कि डायरेक्ट फार्मूला लगाया इस वाले में बस वेलोसिटी का एक बढ़िया फॉर्मूला आ गया है जो रिलेट कर रहा है कांटिक एनर्जी को कि अंडर रूट ऑफ टू इंटू काटिक एनर्जी बाई एम और ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है अगर आप चाहो तो ये मैं मैंने लिख भी दिया है ये क्वेश्चन नंबर है 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 ये question number 32 है, की exercises का अपना देखिए क्या कह रहा अपन लिखते जाते है। show that the circumference of the orbit, मेरे साथ साथ लिख लो show that the circumference, आप जानते हो ऑर्बिट का पाई यार होता है अपना सर्कुलर फैशन में रहती है ऑर्बिट तो शो दैट दर्कमेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम circumference of the bohr orbit for hydrogen atom is an integral multiple is an integral multiple of the de broglie wavelength is an integral multiple of the de broglie wavelength associated with the electron associated with the electron moving around the orbit ंग यू हाफ मिनट टू फिनिश राइटिंग यहाँ एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे अपन बहुत आसान डेरिवेशन है बट अपन को यह देखना पड़ेगा कि वो डेरीवेशन स्टार्ट कौन सी जगह से और कहा से हमें उसे लेना है तो यहाँ हमें यह शो करके बताना है कि जो बोहरा ऑर्बिट का सरकम फ्रेंस है हाइड्रोजन आइटम का वो इंटीग्रल मल्टीपल है डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो कि एसोसिएट हो रही है विद इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है अराउंड द ऑर्बिट यहाँ का जो क्वेश्चन उठेगा बेटा वो तुम हैरत करोगे कहाँ से कहाँ चीज उठती है यहाँ उठेगा आपका जो आपने बोहर पोस्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम का पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वहाँ से उठेगा तो अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट फ्रॉम बोहर पोस्टुलेट दैट इज एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई जब भी डेरिवेशन करो तो अकलमंदी होती है कि अपन स्टेप्स सीख दें वन टू थ्री फोर करके लिखेंगे ना तो अपना डेरिवेशन बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छा हो जाता है तो अपन ने लिखा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई ठीक है अब इसको हमने जरा सा मॉडिफाई करा इस इक्वेशन को ऐसे यहाँ करेंगे ये टू पाई आर नीचे लिया है जैसे तो टू पाई आर इक्वल टू एनएच टू पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी ठीक है ये हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया बेटा तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई और फिर हमने इसको मॉडिफाई कर लिया ये यह आर यहाँ लिया है तो टू पाई आर इक्वल टू एनएच अपॉन एम वी ये हो गया सेकेंड इक्वेशन अब हम सब जानते हैं कि एच अपॉन एम वी क्या होता है बट अपन ऐसे लिख सकते हैं बट एच अपॉन एम वी इक्वल टू क्या होता है लेमडा होता है कि नहीं एच अपॉन एम वी मतलब नेक्स ब्लैक अपॉन मासवल टू वेन्थ सो इसका मतलब हुआस टू पाई आर इक्वल टू एन वेव लेंथ यह हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया और यह हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन यह हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया क्यों हमने इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन कहा यह भी आप समझ लो वाइट इज गिवन द नेम रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आपको समझ में आ रही है अभी देखो क्या कह रहा है वो अपन सब जानते हैं टू पाई आर जो है वो सरकमेंस का फॉर्मूला है मैथ्स में सर्कुलर ऑर्बिट uh, है हमारी uh, कह रहा है कि सरकम ऑर्बिट की इज एन इंटीग्रल मल्टीपल एन इंटीग्रल होता है इंटीग्रल का मतलब क्या होता है एन इक्वल टू मे बी वन टू थ्री मतलब नॉट फ्रैक्शन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ वो वेवलेंथ किससे एसोसिएट है इलेक्ट्रॉन से मतलब ये बस प्रूव करना है कि टू पाई आर इक्वल टू एन वेवलेंथ अब ये फायदा होता है बेटा जो डीएससी क्लासेस में हर क्वेश्चन जो आपको सोल्व करवा जाता है उसका फायदा ये होता है अब बच्चे को ये बात अच्छी तरह पता चल गई कि जो सरकम है ऑर्बिट की वो वेवलेंथ का इंटीरियर मल्टीपल मतलब एक फॉर्मूला बच गया मेरा कहने का मतलब एक फॉर्मूला याद होगा जैसे आज अभी क्वेश्चन में से आपको ये दो फॉर्मूलाज याद हो रहा है एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है एक तो वी इक्वल टू अंडरवुड ऑफ टू इन टू एनर्जी बाई एम ये वाला फॉर्मूला आपके सामने है ये अभी आपने सॉल्व करा है क्वेश्चन से ये v इक्वल टू ये और एक आपको ये वाला बढ़िया पता चल गया कि टू पाई आर इक्वल टू एन एन टू वेब मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट या बोहर ऑर्बिट या सारे ऑर्बिट सर्कुलर हैं इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ़ वेवलेंथ सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा यू कैन राइट एन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेंगे इसको लिखने में जल्दी से लिख लें ताकि अपन आगे बढ़ जाए अपनी जर्नी सो so, इस तरह के क्वेश्चन हैं अगर अपन क्लासरूम में नहीं कर रहे हैं तो यकीन हम एग्जाम में बैठ के नहीं कर सकते अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा कभी नहीं करे कि नहीं हमें तो मैथ्स में तो पता था टू पाई आर सरकम होता है ये भी पता था कि डिप्रोगलीम्बा इक्वल टू एच अपोन एम बी बट ये लाओगे कहाँ से दिमाग में कि यहाँ से शुरू होगा ये अपन नहीं कर सकते जब तक कि हमने प्रैक्टिस नहीं करी है और हमारा बच्चे को पता है कि सब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं आई होप इट इज क्लियर माई डियर चिल्ड्रन अंडरस्टूड नाउ अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे तो सब लोग अब क्वेश्चन नंबर फाइव पे चल रहे हैं अपन लिखिए मेरे साथ इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन टू पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी दे दी हमें उसने टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन टू पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड यह हमारी वेलोसिटी है किसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बोहर्स के फर्स्ट ऑर्बिट में दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट का मांग इन पीकोमीटर ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन है हमारी किताब का तो इसको अब हम सोल्व करना है तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज गिवन दिस मच टू पॉइंट वन नाइन टू टेन टू पावर सिक्स भी दे दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ मांगा है पर इतनी सी बात है कि पिकोमीटर में मतलब क्वेश्चन को नया काम नहीं बहुत आसान है तो हमने ये फॉर्मूला लिखा आपका फॉर्मूला ये लगेगा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी ये फॉर्मूला डल गया अब हमारा वेवलेंथ ही मांगी हुई है तो डायरेक्ट अब सब करेंगे लेमडा इक्वल टू एच के बदले सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई मास इलेक्ट्रॉन के ही तो हम सब जानते हैं नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी वन के जी इंटू अब अगर वो वेवलेंथ पीकोमीटर में मांग रहा है तो हमें वेलोसिटी लेकिन नहीं कर सकते पीकोमीटर में हम उसको वही लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी वेलोसिटी कितनी दी हुई है टू पॉइंट वन सॉरी टू पॉइंट वन नाइन टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन टू पावर सिक्स टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन टू पावर सिक्स अब जब ये करेंगे अपन तो अपन अभी एक मिनट देख लेते हैं इसका आंसर क्योंकि टाइम रूपन को बचाना है तो वी आर नॉट सॉल्विंग इट मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ नहीं करेंगे अपन तो इसका आंसर जो अपन देख रहे हैं वो आ रहा है बेटा थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू टेन टू पावर माइनस टेन मीटर इसका आंसर दे रहा है थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू टेन टू पावर माइनस टेन मीटर यही फिर से चेक कर लेते हैं थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू टेन टू पावर माइनस टेन मीटर यस ये आया लेकिन इस आंसर पे आपको अगर ये क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होगा दो नंबर ही मिलेंगे क्योंकि उसने आंसर तो हमें पिकोमीटर में कहा है ये तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर नहीं हुआ है क्योंकि तो आंसर तो हमें कहाना चाहिए बेटा पिकोमीटर में और ये आंसर तो पिकोमीटर में नहीं है तो अब हम जानते हैं अच्छी तरह कि एक पिकोमीटर में कितने होते हैं मीटर बताओ ये सबको याद होगा कि वन पिकोमीटर इक्वल टू टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व ऑफ मीटर to to तो ये अपन सब जानते हैं करेक्ट कि एक पिकोमीटर में टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व ऑफ मीटर होते हैं दिस थिंग वी नो इट वेरी वेल तो जब अगर एक पिकोमीटर में टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व मीटर होते हैं तो अगर हमने यहाँ पर इसको टेन टू पावर माइनस टेन को टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व में करना चाहा ये मीटर में है ना इसको मुझे पीको मीटर में करना चाहा तो मैं क्या करूँगी तुम जानते हो पीकोमीटर से मीटर में मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी और मीटर से पीकोमीटर में मुझे टेन टू पावर प्लस ट्वेल्व से करना पड़ेगा तो अगर मैंने इसको टेन टू पावर प्लस 12 से कर दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर समझा रही हूँ मैं थ्री पॉइंट थ्री टू टेन टू पावर प्लस टू करेक्ट टेन टू पावर प्लस टू हो गया और अगर ये डेसिमल मैंने हटा दिया तो ये मेरा आंसर ये नहीं हो सकता थ्री थर्टी टू अपन चेक कर लेंगे बिल्कुल सही आ रहा है थ्री थर्टी टू चल रहा है सो ये मतलब तरीका सीखो आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू टेक द क्वेश्चन कभी कभी पता है प्रॉब्लम कहां आ रही है अपन को क्वेश्चन उठाना नहीं आता है इसलिए अपन परेशान होने लगते हैं और अपन क्वेश्चन को फोबिया करने लगते हैं का कुछ भी नहीं था मीटर में निकला आंसर कोई मीटर है और जब मीटर से पीकोमीटर में करोगे तो टू टेंस ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ट्वेल्व और माइनस टेन बताया कितना प्लस टू ये थ्री थ्री टू डिड बाई हंड्रेड कर दिया अगर तो हंड्रेड से हंड्रेड कट गया तो थ्री थर्टी टू पीकोमीटर आपका आंसर आ गया और ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया जब तो अपने फटाफट आंसर देखना है तो अपन फटाफट सॉल्व करके अपन थ्री थर्टी टू पीकोमीटर पर टिक कर देंगे आई बात समझ करेक्ट और कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है थ्री पॉइंट थ्री टू इन टू टू पर भी पीकोमीटर में है आई होप इट इज क्लियर अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं क्योंकि डी ब्रोगली के सारे आइडियाज अपन ने देख ली है नाउ स्टार्ट राइटिंग द लास्ट क्वेश्चन द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटोन वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटोन ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है अपना ये आप लिखो जब तक तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी कर रहे हैं अपना ठीक है द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटोन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थाउजेंड वोल्ट इज फोर पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू पावर फाइव मीटर पर सेकेंड तो फिर से पढ़ेंगे लाइन द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटोन एक प्रोटोन है उसकी जो वेलोसिटी है वो वोटोन मूविंग इन वोट इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थाउजेंड वॉल्ट इज फोर पॉइंट थ्री सेवन इन टेन टू पावर फाइव मीटर पर सेकेंड इफ द हॉकी बॉल ऑफ मास जीरो पॉइंट वन के जी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी कैलक्युलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी हमें वेवलेंथ आप निकालो वेवलेंथ जो कि इस वेलोसिटी के एसोसिएट है तो अगेन द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटोन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थाउजेंड वर्ल्ड इज दिस बी दिया हुआ है मास दिया हुआ है हॉकी बॉल का और हमसे वेवलेंथ मांगा है अब आपको एक चीज बस चुभ रही है कि थाउजेंड वर्ल्ड क्या करेगा कभी कभी क्वेश्चन में कोई डेटा ऐसी दी जाती है जो यूज ही नहीं होती ये सिर्फ डाटा का मतलब ये है कि इतना जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया प्रोटोन में तो इतनी उसकी वेलोसिटी आ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कहीं भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारे पास कहीं फॉर्मूले में है ही नहीं तो प्लीज़ रिमेंबर इस क्वेश्चन में एक स्पेशल बात मुझे लगी थी कि बच्चा सोचता है कि जो भी हमें डाटा दी जाती है उसे हमें कहीं यूज़ करना है ऐसा नहीं है कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि डाटा दी गई है बट वो यूज़ नहीं हो रही तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया आप अगर थाउजेंड वोल्ट यूज़ नहीं हो रहा है थाउजेंड वोल्ट का मतलब सिर्फ यह है कि इतने से इतने वोल्ट से उसको एक्सट्रियड करा कि उसकी वेलोसिटी इतनी आ गई तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी इसका मतलब ये हुआ के लेमडा हमारा एच हमें रट गया है इतनी दफ़ा हम लिख चुके हैं कब से हम एच पढ़ रहे हैं तो ये हो गया आपका जूल इंटू सेकेंड सिक्स पॉइंट पावर माइनस थर्टी फोर मास ऑफ हॉकी बॉल इज ज़ीरो पॉइंट वन इंटू वेलोसिटी जो उसकी दी है वो हमें दी है ये फोर पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू पावर फाइव देर इज़ नो नीड फॉर टू चेंज एनीथिंग बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन के जी तो इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है

चलता है उसका मतलब समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या यूज़ बनाए तो इस तरह से मैं बहुत खुशी से और प्राउडली कह सकती हूँ कि अपना ये वाला टॉपिक भी बहुत बढ़िया ख़त्म हुआ है और विद ऑल दी क्वेश्चन ऑफ जो जो क्वेश्चन थे जो हमें जरूरत थी वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस टॉपिक अगली क्लास में अपना का तो टॉपिक जो शुरू होएगा वो भी टुवर्ड्स मैकेनिकल मॉडल होगा इसीलिए मैंने उसको वन डाला था उस वक्त मैं भूल गई थी चाहो तो वन डाल दो तुमने डाला हुआ है तो छोड़ दो उसे वन इसी डाल था कि सेकंड टॉपिक वो हजमबर्ग था ना इसलिए तो इसे वन डाल देते हैं कोई कुछ जान ही अपना वन डाल में ये वन हो गया अब सेकंड अगली क्लास में पढ़ा जाएगा जो कि हज़मबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होएगा ये दोनों डेवलपमेंट जो थे उसके बाद बोहर की जो शॉर्टकमिंग थी वो सब खत्म हो गई थी और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बहुत स्मार्टली आ गया था सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एन्जॉय द सेशन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू शेयर योर नॉलेज विद मैनी एंड टू लाइक द वीडियो So, with this quote, I want to finish my class and I hope that all of you be healthy, safe, and fit also. So, bye bye, my dear children. We will meet in the next class. Bye.